महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। यू आर वेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, अच्छा। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। छोड़िए, मैंने कोई महत्व तो नहीं रखता महोदय, मैंने मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट, और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जिस वीडियो को देख करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। जी हाँ, अभी हाल ही में हमने देखा उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद मामले को लेकर के जो है बवाल मचा, उससे पहले भी हमने ये देखा कि ओवैसी को जवाब देते हुए भी सीएम योगी नजर आए। एक ऐसी ही वीडियो जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने निकल करके आ रही है, जिस वीडियो में वो रोते बिलखते हुए नजर आ रही है। सदन में खड़े होकर के आखिरकार सीएम योगी क्यों रो रहे थे, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। Yes, yes, I respect you. I'll look into it. Tell us. Sir, मुझे बोले don't be. Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel. We shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। यू आर वेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, अच्छा। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। छोड़िए, मैंने कोई महत्व तो नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर ISI और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी, और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ मौते सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। ये वीडियो कुछ साल पुराना है, लेकिन उस दौरान जो है सीएम योगी के ये बोल वचन जनता को काफी ज्यादा पसंद आए थे, और एक बार फिर से ये बयान जारी हो चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल। बाय।